ड्रीमलैंड जंगल में आज हर कोई डराइल बा। जिकरा देखा डर के कारण ओकर चेहरा के रंग पीला पड़ गइल बा। पिछला कई दिन से इहवा के जानवर पशु पक्षी एक एक करके गायब होत जात बाड़न सा। आज सुबह ही चुनमुन चिड़िया के एगो बेटा गायब हो गइल। ओ बेचारी आपन घोंसला लगे रो रो के आंसू बहावत बिया। हमार बच्चा, हमार छोटा सा बच्चा, आज सुबह सुबह हम ओकरा के एकदम ठीक ठाक छोड़ के गइल रही, लेकिन शाम के जब वापस आई नी तो ओ घोंसला में ना रहे। कहाँ गइल हमार बच्चा? अभी तो ओकर पंख भी ना आइल बा। जंगल के कई सारा जानवर चुनमुन के दिलासा देवत रहन सा, लेकिन एगो माँ के अगर बच्चा खो जाए तो ओकर दर्द उ माँ ही जान सकेले, क्योंकि माँ तो माँ ही होखेले ना। पिंटू बंदर जौन चुनमुन चिड़िया के सबसे अच्छा दोस्त रहे, उहो ओकर आंसू पोछ के ओकरा से कहत रहे, चुनमुन अब कितना रोअबू तू, हमनी के खोजब तहर बच्चा के, तू काहे परेशान हो रहल बाड़ू, हमनी के बानी यहाँ। पिंटू, हम एगो माँ है, ये हमरा कहे के तना चाही, लेकिन पिछला कई दिन से जौन भी जानवर गायब होखल बाड़न सा, वो ना मिलला सा, ओकनी के कितना तलाश कइल गइल, लेकिन वो कहीं ना मिलला सा। ये कह के चुनमुन फिर से रोए लागल। लकी हाथी होखे या टिंकू सारस, ढेंचू गधा होखे या चेतक घोड़ा, सबके आंख में आंसू रहे। अभी पिछले हफ्ते ही तो सब मिलके चुनमुन के बेटा के हैप्पी बर्थडे मनावले रहन सा, कितना खुश रहन सा सब उस दिन, लेकिन आज सब कुछ खत्म हो गइल रहे। ये हमनी के जंगल में केकर नजर लग गइल बा टिंकू भाई, कितना खुश रहत रहनी जा हमनी के। का कही ढेचू भाई, हमके बड़ी चिंता हो रहल बा अपनी प्यारा जंगल के यहाँ रहे वाला हमार दोस्तन के। अगर ऐसा ही सब एक एक करके गायब होत रहल तो एक दिन ये जंगल बिल्कुल सुनसान हो जाई। ये कहत कहत टिंकू सारस के गला भर आयल। अगला दिन के शुरुआत फिर से लकी हाथी के घर के बाहर रोए के आवाज से भइल। ओकर बेटा डब्बू भी गायब हो गइल रहे। डब्बू, हमार बेटा डब्बू, अरे हमार बेटा डब्बू कहाँ चल गई रे, इका हो गई हा, इका हो गई हा, कैसे इस संकट से मुक्ति मिली कुछ समझ नहीं गया बात। जंगल के सब जानवरन के मीटिंग भइल। ड्रीमलैंड जंगल के राजा शेर सिंह भी जंगल में हो रहल इस सब घटना के वजह से बहुत परेशान रहे। वह चाहत रहे कि ड्रीमलैंड के इस सब आफत से मुक्ति मिले, लेकिन समझ में ओकरा कुछ ना आवत रहे। वो करे तो आखिर करे का? आखिरकार वो एगो निर्णय लेलस। हमर प्यारे दोस्तों, हमनी के एगो भारी मुसीबत में फंस गई बाली। हमनी के दुश्मन यू कही कि हमनी के जंगल के जानवर के गायब करे वाला के हा, कहाँ के हा, वैसन काहे कर रहल बा हमनी के नहीं खे पता। अब जब ओकर बारे में कुछ भी आता पता नहीं खे तो हम ओकर मुकाबला करी भी तो कैसे? तो हम का करी शेर सिंह, ऐसे तो हमनी के जंगल सूना हो जाई। ड्रीमलैंड जंगल के हमनी के इतना प्यार से बनौली और बसौली, एक राय से उजड़ा तो हमनी के नहीं खी देख सकात। ई कह के लक्की हाथी फिर से फूट फूट के रोए लागल। लक्की भाई धीरज रखा, धीरज रखा। उदिन शेर सिंह ड्रीमलैंड के जंगल के जानवरन खातिर एगो नियम बनावलस ताकि ई अनहोनी से बचल जा सके। ड्रीमलैंड जंगल के हमार दोस्तों, आप सब लोगन से हमारे को प्रार्थना बा कि जब तक हमनी के इस संकट से पार पावे के उपाय ना ढूंढ ली तब तक आप सब अधिकतर अपन घर में ही रही। हम जाना तनी खाना पीना खातिर आप सबके बाहर निकल ही के पड़ी। यही से जब ऐसन होए तो ग्रुप में जाई, केहू के साथ जाई, कभी भी कहीं भी ना तो अकेले जाई और ना ही घर में केहू के अकेले छोड़ी। शेर सिंह के इन निर्णय से ज्यादातर लोग खुश ना रहन सा, लेकिन उकनी लगे कोनो चारा ना रहे, सबके शेर सिंह के बात माने के पड़ल। उ दिन के बाद तक ड्रीमलैंड जंगल जानवरन के होए के बावजूद भी सूना लागत रहे, ना कोई बाहर खेले आवत रहे, ना घूमे खातिर। जब जरूरत होखत रहे तो जानवर निकलत जरूर रहन सा, लेकिन ग्रुप में।
कुछ दिन के बाद के बात है। रात के समय रहे, मोंटू हिरन घर में सुतल रहे। तभी घर के दरवाजा पे दस्तक भई। मोंटू, मोंटू, अरे बेटा मोंटू, दरवाजा खोला बेटा। मोंटू हिरन के पहले ई लागल कि ऊ सब कुछ इस सपना में देखता, लेकिन अचानक ओकर आँख खुलल तो ऊ अपन माँ के आवाज सुनलस। अरे इता हमार मम्मी के आवाज है, लेकिन मम्मी बाहर कब गईली? मोंटू के समझ ना आवत रहे कि ओकर माँ बाहर कब गईल। डर तो ओकरा लागत रहे, लेकिन फिर भी ऊ उठल और दरवाजा के पास गईल और भीतर से ही पूछलस, माँ तू बाहर कब गई लो? अरे बेटा कई दिन से घर में रही, सुबह के खाना खातिर कुछ ना रहे, यही खातिर हम बाहर आ गई नी। बेटा जल्दी से दरवाजा खोला, कहीं ऐसा न होके कि हमहू गायब हो जाएं। मोंटू जैसे ही अपन माँ की बात सुनलस वो दरवाजा खोल देलस। बाहर होकर माँ ही रहे, जल्दी से दरवाजा बंद कर ला बेटा। मोंटू दरवाजा बंद कर लेलस। अगला सुबह के शुरुआत भी रोए की आवाज के साथ भइल। ई आवाज मोंटू के माँ के रहे। हमार बेटा मोंटू, हमार बेटा मोंटू गायब हो गए। जैसन शेर सिंह कहले रहे हम तो ऐसा ही कहनी है, फिर हमार बेटा कैसे गायब हो गए। ई घटना के दो दिन बाद फिर से हनी गेंडा गायब हो गए। एक बार फिर से शेर सिंह सब जानवरन के मीटिंग बोलौलस। शेर सिंह जौन उपाय बतावले रहे ओकरा बाद भी जानवर गायब होत रहन स, ई बहुत चिंता के बात रहे। शेर सिंह अब ड्रीमलैंड के जंगल के जानवरन के का कहित उ ओकरो समझ ना आवत रहे। तभी वहां पर भागत भागत करिया हंस आयल और उ जौन बतौलस ओकरा सुन के सबके रोंगटा खड़ा हो गइल। शेर सिंह हमके पता चल गइल बा, हमके पता चल गइल बा कि जंगल के जानवर आखिर कहां जा रहल बाड़े और ई के ओकनी के गायब कर रहल बा। करिया हंस एगो जादूगर रहे, लेकिन उ अपन जादू के कबो गलत प्रयोग ना करत रहे। उ ता अपन जादू से जानवरन के मदद करत रहे। लेकिन दो दिन पहले के बात है, करिया हंस अपन जादू के किताब ढूंढत रहे, लेकिन ओकरा उ किताब ना मिलल। हमर जादू के किताब आखिर गईल कहाँ? हम तो एही जे रखले रहनी। करिया हंस अपन जादू के किताब ढूंढे के बहुत कोशिश कैलस, लेकिन उ ओकरा ना मिलल। ई बात से उ बहुत परेशान हो गईल। ओकरा बाद उ अपन जादू के किताब के पता लगावे के खातिर अपन घर में रखल जादुई शीशा से कहलस, जादुई शीशे ई बतावा कहाँ बा हमार जादुई किताब के पता। कुछ देर बाद जादुई शीशा से धुआं निकले लागल और फिर सब कुछ ओकरा में साफ साफ दिखाई देवे लागल। जादुई शीशा देखौलस कि कैसे मोगैम्बो अजगर ओकरा घर में घुस के जादुई किताब के चोरी कर लेवा। शेर सिंह, मोगैम्बो अजगर जादुई किताब के गलत फायदा उठा लेबा। उ जादुई किताब के उ मंत्र के प्रयोग कई लेबा जेमे अब केहू दूसरा जानवर के रूप बना सके नी, ओकरा तरह आवाज भी निकाल सके नी। उ मोगैम्बो अजगर के हम फार देहब, ओकरा मार मार के कचूमर निकाल देहब। लेकिन काला हंस वैसन कर काहे रहल बा? काऊ सब जानवरन के मार दिले बा? ना, ऊ मरले नहीं खे। लेकिन कल ऊ सब के मार दी, काहे कि कल अमावस्या बा। ऊ सब जानवरन के मार के ऊ शक्ति के पावे के चाहता, जेकरा बदौलत ऊ दुनिया के सब जंगल के राजा बन जाई। ऊ राजा के तो हम बैंड बजा दे हब। अमावस्या तक कल बाना, हम आज ही चला तनी ओकर गुफा में। शेर सिंह जंगल के सब जानवरन के साथे ओकर गुफा के लगे पहुंच गईल। शेर सिंह, हमनी के कैसे भी ओकरा से उ जादुई किताब हासिल करे के बा, नहीं तो हमनी खातिर भी खतरा बन जाई ही। काहे के बिना जादुई किताब के ओकर शक्ति कुछ भी नहीं खे। वो तो ठीक बा, लेकिन वो किताब ले आई के? काहे की कोई जानवर अंदर घुसी तो ओकरा पर ओकर नजर पड़ जाई। ओकर बात के सुन के करिया हंस अपन आँख बंद कैलस और एगो मंत्र पढ़लस। दू औरी एक जोड़बा तो बन जाई तीन, जल्दी से सामने आ जा जादुई बीन। अचानक से उहां पर एगो जादुई बीन प्रकट हो गई। ओकरा के अपन हाथ में लेके करिया हंस कहलस, शेर सिंह ई कौनो साधारण बीन नहीं खे,
जादुई बीन बा, एकरा बजावला से भयंकर सांप भी नाचे पर मजबूर हो जाले, लेकिन ये बीन के सबसे ताकतवर ही बजा सकेला। शेर सिंह आप ताकतवर भी हैं और ये राजा भी, यही से ये बीन आपके बजावे के पड़ी। शेर सिंह वो जादुई बीन करिया हंस से लेलस और ओकरा बजावे शुरू कर देलस। कुछ ही देर के बाद मोगैम्बो अजगर नाचत नाचत बाहर आ गए। ओकरा के देख के सब जानवर छुप गईलन सब। जब वो पूरा तरह बाहर आ गईल तो करिया हंस ओकर गुफा में गईल और ना सिर्फ ओकर जादुई किताब वापस लेके आईल बल्कि सब जानवरन के भी आजाद करवा देलस। कुछ देर बाद शेर सिंह बीन बजावे बंद कर देलस और मोगैम्बो अजगर के गर्दन पकड़ लेलस। छोड़ा छोड़ा हमके शेर सिंह, छोड़ा हमके, तू हमके जानत नहीं खा, अभी हम तो के अपन जादू से चींटी बनावा तानी। ओकर बात सुनके जंगल के सब जानवर ओकरा पे हंसे लगलन सब। मोगैम्बो अजगर इहो देखलस कि ऊ जौन जानवरन के बंदी बना के रखले रहे ऊ बाहर आ गईल बाड़न सब, तो ओकरा बहुत गुस्सा आ गईल। के ओकरा के बाहर निकल ले बा, रुका अभी हम तहरा लोग के बतावा तानी। जौन किताब के बल पर तू सब करत रहले ना, ऊ देख हमरा पास बा। हमार किताब, हमार किताब दे दे, वापस कर दे, ना तो हम तोहके काट खाइब। तोहके छोड़ब ना, अभी तो मार मार के पापड़ बना देब। ओकरा बाद तो शेर सिंह ओकर धुलाई शुरू कर देलस। आई, अरे मार कहीं नहीं रे, आई छोड़ दे, अरे छोड़ दे हमके, अरे पापड़ बना देबे का, अरे गलती हो गई, छोड़ दे शेरवा। शेर सिंह ओकर इतना धुलाई कैलस, इतना धुलाई कैलस कि ओकर हालत खराब हो गई। उस सब जानवरन के पैर में गिर के आपन जान के दुहाई मांगे लागल। जानवरन के ओकरा पे दया आ गईल, वो ओकरा के तो छोड़ देलन सा, पर ओकरा के साफ साफ कह देलन सा। आज के बाद ड्रीमलैंड जंगल के आसपास भी नजर आ गई ले तो तोहके दुनिया से गायब कर देब। अरे ड्रीमलैंड का हम कोनो जंगल में नजर नहीं, हम हिमालय पर चल जाए। ई कह के वहां से चल गए। सब जानवर फिर से खुशी खुशी रहे लगलन सा।